गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम लोग बना रहे हैं खैरा फिश। और ये फिश इल्सा फिश की तरह होता है और इसमें इसका प्राइस बहुत ही कम होता है। और जो इल्सा खाते हैं उसका प्राइस 1500 से 1000 रुपीस तक का होता है। और ये फिश बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा कोई मार्केट में। और आप इसको बनाइए, इसमें नमक हल्दी और सरसों का जो मसाला है उसको डाल के बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये फिश दिखने में पूरा हिलसा के तरह लगेगा, मगर इसमें जो लोग जानते नहीं हैं खैरा फिश के बारे में वो इसको मिसगाइड कर सकते हैं हिलसा फिश को लेकर। और इसको लोग मार्केट में हिलसा फिश का बच्चा के नाम से उसको लोगों को ठग देते हैं और इल्सा फिश का छोटा सा मतलब छोटा साइज बोल के भी लोगों को बेच देते हैं। तो हम लोग चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। अभी हम लोग फिश को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हमने कर लिया है। अभी देखिए हम लोग ये बहुत ही टेंडर फिश है और सावधान से आप इसको पलटाइए और बनाइए। और इसको भी कच्चा सरसों इलसी मतलब कच्चा भापा इलिसी बना सकते हैं आप, जैसे बनाते हैं वैसे आप इसको बना सकते हैं, स्टीम में बना सकते हैं। और प्रेफर करूँगा कि आप लोग फ्राई करके बनाइए। ये फिश थोड़ा सा ज़्यादा ही थोड़ा इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। हिलसा का जैसे स्वीट टेस्ट है वैसा नहीं है, इलिस माछ का जैसे स्वीट टेस्ट है वैसा तो नहीं है, बट लगभग लगभग सेम है। तो 19-20 का फ़र्क है। तो इसमें बहुत लोग मार खा जाते हैं। और तो चलिए हम लोग भी ऐसे ही सोच के इसको ले आए थे, तो हमने भी सोचा कि शायद ये इलिश माछ है और हम लोग इसको छोटा सा उसका मतलब छोटा साइज का फिश समझ के इसको लाए थे, मगर ये खैरा फिश ही निकला। और ये फिश भी बहुत फ्रेश है और आप लोग इसको नॉर्मल जैसे इल्सा बनाते हैं वैसा आप इसको बनाइए, खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें सरसों और लहसुन और मिर्च डाल के आप इसको मसाला बनाइए। और इसको प्याज काट के स्टार्टिंग में आप प्याज डाल दीजिए, भून लीजिए, उसके बाद में मसाला डाल के उसको फ्राई कीजिए और फिर उसमें पानी डाल लीजिए। ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा नहीं तो मसाला ये हो जाएगा, ख़राब हो सकता है। तो बहुत लोग इसमें पीला सरसों भी डालते हैं और आप अगर चाहेंगे तो ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। तो हम लोग आलू फ्राई कर लीजिए, कर लिए देखिए। और अभी तो त्यौहार के मौसम सब चल रहे हैं तो आज मैं घर पे रह गया था, पता नहीं कोई रीज़न है के रीज़न के कारण मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो अभी हम लोग देखिए हम लोग इसमें काला जीरा डाल दिए हैं और थोड़ा सा सरसों भी हमने डाल दिया। और जो स्किप करना चाहते हैं काला जीरा, जो नहीं डालना चाहते हैं नहीं डाल सकते हैं। और इसमें नमक हल्दी हमने डाल दिया। तो पता है आपको मैं वही बोल रहा था कि कोई एक ओकेज़न के लिए ही मैं रुक गया था घर पे, तो आज हिलसा बना रहे हैं, ये खैरा फिश बना रहे हैं, सॉरी। और अभी तो रक्षाबंधन भी आ रहा है, एक दिन बाद रक्षाबंधन है तो उसमें भी कुछ स्पेशल बनेगा। और ये हमने मिर्च डाल दिया, हरी मिर्च डाल सकते हैं, दो चार आप डाल सकते हैं, जिसको कम खाना है वो एक डाल दे, जितना मिर्च डालेंगे उतना उसका स्वाद बढ़ेगा। और प्रेफर कीजिए छोटे बच्चों को, अगर कांटा निकाल के दे सकते हैं तो खिलाइए, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, मेरी बेटी को तो बहुत अच्छा लगता है ये फिश, वो खाती भी है मगर कांटा निकलता है इसीलिए वो थोड़ा सा अवॉइड करती है। और ये हमने गरम करने के लिए छोड़ दिया 10-15 मिनट बाद। हमने अभी देखिए आलू बॉयल हो गया है तो हम इस फिश को डाल लेते हैं। तो
भाई लोग आप लोग भी अपने घर में बनाइए और खाइए, टेस्ट कीजिए सब कोई, और बताइए कमेंट में कैसा लगा आपको फिश, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नए वीडियोस के लिए वेट कीजिए। अभी आप टमाटर डाल सकते हैं, मैंने हाथ में करना प्रेफर समझा क्योंकि इससे जो आजकल के जो टमाटर हैं वो बहुत ही कड़े कड़क होते हैं, तो उनको हाथ से मसलना ही बेटर है, नहीं तो वो खड़े ही रह जाते हैं। या फिर ग्राइंड करके आप डाल सकते हैं, मगर ग्राइंड करने से क्या है कि उसका कवर जो है वो अब भी ग्राइंड हो जाता है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बन गया। आप इसमें अभी धनिया पत्ता डाल के इसको सर्व कीजिए। अब मैं तो धनिया खाता नहीं हूँ इसीलिए मैं धनिया को एस्केप किया हूँ। तो ओके भाई गाइस, आप लोग से विदा लेने का टाइम हो गया। ये हमारा चावल पक गया है और अभी आप देख सकते हैं, और आज तो बारिश भी बहुत हो रही है। देखिए हमारे छोटे छोटे पेड़ ग्रो कर रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है ऐसे बारिश में ग्रो करने के लिए। देखिए बहुत ही बारिश हो रही है और हमारी बिल्लियाँ भी आ गई हैं, वेट कर रहे हैं कब खाना मिलेगा। तो ये हम लोग का बैकयार्ड देखिए आप। और अभी आज मेरा बाइक का रिपेयरिंग का काम कुछ था, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसे हम मेरा बाइक का प्रॉब्लम हो गया था। तो उसके क्लच प्लेट जल गया था, तो उसको हमने बनाने के लिए दिया हुआ था। तो आपको मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ वीडियो में। तो मेरा बाइक यहाँ पे खड़ा है, तो 2000 रुपीज़ लग गया मेरा क्लच प्लेट बनाने में। क्लच प्लेट और थोड़ा सा कुछ दूसरा काम भी था, तो और भी कुछ काम बाकी है, और भी करना पड़ेगा।